दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी मेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के क्वेश्चन परीक्षा के एग्जाम में यानी कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना उसकी खोपड़ी में छेद करने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन ऐसा भी है कि जब तक इसको सॉल्व करेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले भी नहीं है दोस्तों। तो चलिए रेडी हो जाइए। उससे रेडी होने से पहले एक बार विनती है दोस्तों आपसे कि प्लीज़ अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि हमारे वीडियोज कब कब अपलोड हो रहे हैं दोस्तों। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ताकि आपको डायरेक्ट एग्जाम में हू बहू आने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर हम आपको समझाएंगे इसको बनाते कैसे हैं दोस्तों। यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपया है, इस पर दो बट्टा दिया जाता है, क्रमागत यानी क्रमागत जो बट्टा होता है दो लगातार बट्टा दिया जाता है। यदि एक बट्टा 10% हो और ग्राहक उस वस्तु को 120 में खरीदता है तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। मतलब क्या हुआ कि एक बट्टा आपको दे दिया, कल बताए थे कि हम ये क्वेश्चन लाने वाले हैं तो आज हमने लाया दोस्तों। अगर लाए हैं तो इसको हम बताते हैं बनाना कैसे। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 160 रुपया उसका क्रय मूल्य, मतलब 160 में वो उस वस्तु का अंकित मूल्य है, क्रय मूल्य नहीं दोस्तों अंकित मूल्य है। अब क्या क्या दुकानदार ने उससे दो बट्टा दिया ग्राहक को, एक 10% दूसरा पता नहीं कितना दिया, लेकिन क्या किया ग्राहक जो है इसको 120 में खरीद लिया। कितना में खरीद लिया? 120। 160 वाली वस्तु कितना में खरीद ली? 120 में। अब एक बट्टा जो दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, तो 10% क्या होता है 1/10, मतलब क्या हुआ कि 10 वाली वस्तु को उसने 1 रुपया छोड़ करके यानी 9 में बेचा होगा, है ना। तो अब क्या करेंगे कि दूसरा, अगर पहला ये दिया हुआ है कि 160 वाली वस्तु 120 है तो पहला जो छूट दिया गया उससे इसको भागा दे देंगे। कैसे भागा देंगे? तो 160 चूंकि 10 में 1 रुपया छूट दिया तो ये एक्चुअल मूल्य हो गया और ये छूट वाला मूल्य हो गया। अब इसको काटिए, सुना सुना चला गया, ये 3 3 9, 3 4 12 यानी क्या हो गया 16, यहाँ अनुपात दे दीजिए 40/3। अब ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 3 48/40। अब बताइए 48 वाली वस्तु को कितना दे रहा है 40 में, तो छूट कितने का दिया 8 रुपये की छूट। कितने रुपये की छूट दिया? 8 रुपये की छूट दिया। अगर 8 रुपये की छूट कितने में दिया? 48 में, अगुने 48 हो गया, इसको काटिए 3, ये हो गया 50 यानी 50/3% की क्या दी गई दोस्तों छूट दी गई। तब जाकर के दूसरा बट्टा भाई, पहला बट्टा तो 10% है, दूसरा बट्टा 50/3% आया, तो ये दूसरा बट्टा इतना दिया गया, तब जाकर के 160 वाली वस्तु 120 में हुआ खरीदता। अगर इस टाइप कोई भी क्वेश्चन आए 160 वाला 120 में देता है, 150 वाला 130 में देता है, एक बट्टा दिया दूसरा बट्टा निकालना, तो इस तरह जो भी आए तो पहला जो मूल कुल बट्टा है उसमें से क्या करेंगे, पहला बट्टा से भागा दे देंगे तो दूसरा बट्टा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा निकल जाएगा। पता इसमें कुछ नहीं है, है ना। अब इसके लिए आप ट्रिक, कुछ कोई ट्रिक नहीं है यार, ये लॉजिक चीजें हैं कि जब दो बट्टा को गुना करते हैं तो पूरा बट्टा निकलता है, तो एक बट्टा निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा में से पहला बट्टा से भागा दे देंगे तभी तो निकलेगा दूसरा बट्टा। तो आप कुछ भी कर लीजिए, ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है और आपको उपयोग आने वाली। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को देखते हैं और आपको बताते हैं कि बनाते कैसे। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित कर, मतलब क्या हुआ जितना में वो खरीद के लाया उसे 10% क्या किया अधिक अंकित कर दिया। यदि वो अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, मतलब वो ग्राहक को 10% क्या किया लेस कर दिया, तो इस प्रकार व्यापारी को कितने प्रतिशत की लाभ हुई या हानि, मतलब पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत उसे लाभ हुआ या हानि हुआ। अब सिंपल बात है दोस्तों, अगर 10% अधिक अंकित करेगा तो 10% का मतलब क्या हुआ 1/10 यही ना हुआ, तो यानी इसका क्या मतलब हुआ, अगर जिस वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपया हुआ होगा तो उसमें 1 रुपया बढ़ा कर यानी कितना रुपया में उसको अंकित क्या हुआ 11 रुपया, क्योंकि 10% अधिक अंकित करता है तो 10 में 1 रुपया अधिक अंकित करेगा, तो 10 में अगर 1 रुपया अधिक अंकित करेगा तो 11 रुपया होगा उसका अंकित। तो यानी ये क्या हो गया सीपी और ये क्या हो गया एमपी यानी मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य हो गया, फिक्स प्राइस जिसको कहते हैं। अब दोस्तों 10% की छूट भी देता है तो 10% क्या हुआ 1/10, यानी कि अगर उस वस्तु, अब छूट किस पर दे रहा है ये इंपॉर्टेंट वाली बात है,
छूट दे रहा है अंकित मूल्य पर। अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10 रुपया रहा होगा तो उसमें 1 रुपया क्या करेगा, वो छूट देगा। तो अगर ये अगर अंकित मूल्य 10 रुपया रहा तो 1 रुपया छूट दिया, यानी 9 रुपया में क्या क्या उसको बेच दिया। तब ये 10 रुपया जो है ये क्या हो गया, मार्केट प्राइस, और 9 रुपया क्या हो गया, ये SP हो गया। नहीं हुआ। अब एक चीज देखिए, यहाँ भी मार्केट प्राइस है और यहाँ भी अंकित मूल्य है, मार्केट प्राइस है, क्या दोनों अलग अलग एक वस्तु के लिए हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे, दोनों को बराबर कीजिए। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस संख्याओं को यहाँ गुना कर दीजिए तो नीचे भी गुना कीजिए, और इस संख्याओं को यहाँ गुना कीजिए तो ऊपर भी गुना कीजिए। तो 11 दहेंगे कितना हो गया दोस्तों, 110, 10 दहेंगे 111, 99, 111 दहेंगे 110। अब देखिए मार्केट प्राइस सेम हो गया। अब ये क्या है CP, ये क्या है SP, मतलब 100 रुपया की वस्तु को 99 रुपया में बेच दिया, तो बताइए लाभ हुआ या हानि? 100 रुपया दाम था, 99 में बेच दिया तो हानि न हुआ, तो हानि कितने की हुई, तो 1% की हानि हुई। कैसे, 1 रुपया हानि हुआ, कितने में, 100 में, तो 100 में 1 रुपया हानि मतलब 1% हुआ, है ना। देखिए कितना ईजी हो गया, कुछ नहीं भी दिया तो भी हम आपको निकाल के दिखा दिए, तो दिखा दिए। तो दोस्तों ये बेस्ट तरीका है, इससे बढ़िया तरीका आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, पिछले क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये अक्सर SSC के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम, इस समय पूछते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने का, है ना, छूट देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है, मतलब 20% आपको छूट दे दिया फिर भी वो 10% लाभ कमाया। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ जिसका अंकित मूल्य 880 रुपया है? तो सिंपल बात है, बहुत सिंपल है, देख लीजिए 20% की जो छूट दे रहा है वो एक चीज बताइए आप किस पर दे रहा है, वो 20% मतलब क्या हुआ, 1/5 अंकित मूल्य पर दे रहा है। मतलब क्या हुआ कि अगर 5 रुपया अंकित मूल्य रहा होता तो उस पर 1 रुपया छूट देकर वो क्या करता, बेच देता। तो अगर 5 रुपया अंकित मूल्य है, 1 रुपया छूट दिया तो बेचा कितने में, 4 रुपये में। ये क्या है MP, ये क्या है SP, क्योंकि ये तो बेच दिया ना 4 रुपया में, तो SP हो गया। अब कह रहा है कि 10% का लाभ भी कमा रहा है, तो 10% मतलब क्या हुआ, 1/10, यानी अगर 10 रुपया की कोई सामान होती तो उस पर 1 रुपया लाभ कमा के कितना में बेच देता, 11 में। तो ये क्या हुआ, ये हुआ CP, और ये क्या हुआ SP, यही ना हुआ, क्योंकि 10 में 1 रुपया लाभ कमाया, तो लाभ कमाता है तो क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य पे यानी नीचे क्रय मूल्य हो गया, 1 रुपया लाभ कमाया, 11 में बेच दिया मतलब SP हो गया। अब देखिए यहां भी SP है 4 रुपया, यहां SP कितना है 11 रुपया, ये तो बहुत बड़ा नाइंसाफी है भाई, एक वस्तु के लिए दो SP कैसे अलग अलग हो सकता है। तो चलिए बराबर कीजिए इसको, तो बराबर करेंगे तो इस संख्या को इसमें गुना कर दीजिए और इस संख्या को इसमें, तो इस नीचे भी गुना कर दीजिए। अब 4 को इधर गुना करेंगे, यहाँ भी 4, नीचे भी 4, यानी कितना हो गया दोस्तों, 11 चौके 44 बटे 55, 11 चौके 44 बटे 40। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, यदि अंकित मूल 880 रुपया है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो अंकित मूल तो यही है 55 रुपया ना अंकित मूल है, और क्रय मूल क्या है 40 रुपया। तो अब 55 किसके बराबर हो जाएगा, 880 के, कितना से गुना करेंगे, 16 पंचासी 8 88, यानी 16 से गुना करेंगे। अब यहाँ 16 से गुना किए तो यहाँ भी 16 से गुना करेंगे, 16 चौके 64, यानी उस वस्तु का क्रय मूल कितना रहा होगा, 640 रुपया क्रय मूल रहा होगा। अगर आपसे पूछता SP यानी कितना में बेचा, तो इसमें भी 16 से गुना कर देते, 16 चौके 64 4 16 चौके 64 6 70, यानी 704 रुपया। देखिए क्या इससे बेहतरीन तरीका है आपके पास, नहीं हो सकता है। तो अगर नहीं हो सकता है तो दोस्तों हमारे तरीका फॉलो कीजिए। अच्छा कोई भी सवाल आएगा ना बट्टा वाला, देखिए इससे ज्यादा नहीं जाएगा, या 100 वाला लेकर कहीं नहीं जाएगा, इससे ज्यादा जा ही नहीं सकता कहीं, तो नहीं जाएगा। तो अगला बार देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोले लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, हम तो उसे कहते हैं सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम हर टाइप का सवाल बता रहे हैं। अब एक ही टाइप का 10 को सवाल बताने से बेहतर है कि 10 को टाइप का सवाल हम लेके आ जाए,
है ना, ताकि आप मेहनत ज़्यादा करें और आप जब सवाल सॉल्व करें तो आप अटकें, क्योंकि मैथमेटिक्स में जहाँ अटक गए वहाँ रुक गए, जहाँ रुक गए फिर मैथमेटिक्स बनना बंद। तो इससे बढ़िया है सब टाइप का सवाल पढ़ लीजिए। पढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन। एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपया है, दुकानदार 10% की छूट देकर 8% का लाभ अर्जित करता है। तो क्वेश्चन कह रहा है यदि छूट ना दी जाए तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। पिछले वाला सेम क्वेश्चन, अगर हमको अंकित मूल्य दिया है तो सीपी निकाल लेते हैं, सीपी निकल गया तो सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए 10% की छूट दे रहा है तो 10% का मतलब क्या हुआ 1/10, और 8% का लाभ हमारा मतलब क्या हुआ 2/25। यही वन दोस्तों, मतलब क्या हुआ कि अगर 10 रुपया अंकित मूल हुआ तो बेच कितना में दिया 9 में, तो ये हो गया SP और ये हो गया MP मार्केट प्राइस। अब 25 में 2 रुपया लाभ कमा रहा है, अगर 25 रुपया दाम होता तो उस पर 2 रुपया लाभ कमाता तो बेच कितना में देता 27 में, तो ये क्या हो गया SP और ये क्या हो गया CP। अब दो गो SP तो एक वस्तु के लिए अलग अलग नहीं हो सकती है, तो नहीं हो सकती तो बराबर कीजिए 9 * 27, देखिए बराबर हो गया। अब देखिए तो गुना कीजिए 9 * 27, 10 * 30 हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा 27/25। अब देखिए चूंकि ये MP है, MP कितना है 30, लेकिन एक्चुअल में दिया कितना है 4800 रुपया, तो 30 किसके बराबर हो जाएगा 4800 के, तो ये कितना हो जाएगा 16 * 48 यानी 160 से, इसमें भी कितने क्या गुना कर देंगे 160 से, तो सुना का सुना 25 का कितना हो गया 150 हासिल 15। अब यहाँ गुना कीजिए 25 का 25 15 कितना हो गया 25 * 30 = 10 = 40 यानी 4000 रुपया हो गया। यानी कि आपने 4800 रुपया मार्केट प्राइस था और खरीदा कितना में था 4000 रुपया। यानी इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम छूट नहीं देते तो 4800 में बेच देते, यही ना हुआ, अगर छूट नहीं देते तो 4800 में बेच देते, तो अगर छूट नहीं देते 4800 में बेचते तो 4000 वस्तु का दाम था, तो बताइए हमको लाभ कितने का होता, तो लाभ कितने का हो जाता 800 रुपये का, कितने में ये CP है हमारा 4000 में, अगुने 100 = 8 * 5 = 40 * 20 * 100 यानी 20% का लाभ होता अगर हम छूट नहीं देते। तो बताइए इसमें कोई दम है, यहाँ डायरेक्ट हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, देखिए दोस्तों यहाँ से भी निकाल सकते हैं 25 वाले वस्तु को 30 में बेचेंगे तो लाभ कितने का होगा 5 का, कितने में 25 में अगुने 100, 25 * 100 = 5 * 20% की, तब भी आप निकाल लीजिए। हम चाहे वैल्यू दिया हो नहीं दिया हो तब भी हम निकाल लेंगे। तो देखिए बहुत ईजी हो गया इस मेथड से, जब ईजी हो गया तो दोस्तों इसको फॉलो कीजिए ना, आपको अच्छा लग रहा है तो। दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, कल क्या होने वाला है। अब देखिए इसमें क्या क्या आया, आपको मार्केट प्राइस आया, CP आया, SP आया, सारे चीज का मिश्रण आया। कल इसी में हम मिसलेनियस क्वेश्चन बताएंगे, किसका बताएंगे, प्रॉफिट लॉस के साथ साथ डिस्काउंट के, इसका मिसलेनियस क्वेश्चन आएगा। जो भी प्रकार था हमने आपको बता दिया, अब इसमें जो मिसलेनियस हार्डेस्ट टाइप जो क्वेश्चन है वो आपको आएंगे, और जो डायरेक्ट हूबहू एग्जाम में आते हैं, और एग्जाम में आते हैं तो आपको देखना ही पड़ेगा, देखिएगा तभी तो समझिएगा हमारे तरीके से, क्योंकि ये बेहतरीन तरीका है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।